हावे, हेलो। क्या कर रहे हो आप? मैं अपने प्लांट्स को देख रहा हूँ। कैसे न्यू प्लांट कैसे ग्रो होता है? प्लांट को ग्रो करने के लिए हम पहले सीड यूज़ करते हैं। उसके बाद जब हम सीड को सॉइल में डालते हैं, उसके बाद हम उसे वाटर करते हैं, और उसके बाद जो सनलाइट होती है उससे प्लांट्स ग्रो होते हैं। आपने सीड्स देखे उगते हुए? हाँ जी देखे हैं। कब देखा? मेरी दादी ग्रो करती थी उन्हें। अच्छा। हाँ जी। जैसे ये है। हाँ जी। ये सौंफ डाल दिया था यहाँ पे। हाँ जी। फाइनल उससे ये न्यू प्लांट ग्रो कर गया है। ओके। ऐसे ही यहाँ पे ये तुलसी के सीड्स लगाए थे, तो ये तुलसी ग्रो कर गई है। यहाँ पे फ्लावर जो हमारी माला आई थी पूजा में गेंदे वाली, उसको डाला था, तो ये वो ग्रो कर गए हैं। और यहाँ पे हमने ये कैप्सिकम के सीड्स डाले थे, तो हम देख रहे हैं इसमें कैप्सिकम लग गए हैं। आपने ठीक कहा कि सीड से न्यू प्लांट ग्रो हो सकता है। क्या बिना सीड के भी प्लांट ग्रो हो सकता है? बिना सीड के प्लांट तो नहीं ग्रो हो सकता, मुझे नहीं लगता। हो सकता है ठीक है ना। बिना सीड के प्लांट ग्रो हो सकता है। सीड के अलावा जो भी पार्ट्स हैं प्लांट के, क्या क्या पार्ट्स होते हैं? सीड के अलावा प्लांट के प्लांट्स होते हैं रूट, स्टेम, लीव्स। अब जैसे यही वाला प्लांट है, ठीक है ना, इसकी भी अगर हम कटिंग लगा देते हैं तो इससे न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है, जैसे कि मैंने ये वाला किया हुआ है। ठीक है। ये कौन सा प्लांट है? एक्चुअली इस प्लांट का नाम मुझे भी नहीं पता है, मैं बाद में आपको ढूंढ के बता दूंगी। फिर ये हमने जैसे एलोवेरा लिया है, ये लीफ से ही ग्रो कर गया है। ये यहाँ पे पाइनएप्पल, मैंने पाइनएप्पल खा के जो ऊपर का पार्ट रहता है उसको लगाया हुआ है। अभी दूसरे उसमें दिखाऊंगी, वहाँ पे और ज़्यादा बड़ा ग्रो कर गया है। अभी इसको शिफ्ट करना है हमें, इसलिए छोटा है। इसके अलावा ये स्नेक प्लांट है, इसकी भी लीफ कट करके लगाने से न्यू प्लांट ग्रो होता है। और यहाँ आप देख रहे हो जो छोटे ये जो प्लांट्स अलग से ग्रो हुए हैं, इसको निकाल के अलग से लगा देंगे हम तो भी ये ग्रो कर जाएगा। यहाँ पे मैंने ये लीफ लगाई थी, और लीफ से छोटे छोटे प्लांट्स अब स्नेक के स्नेक प्लांट ग्रो करने लगा। ये पहचाना आपने? अब ये है कोकोनट का ऊपर जो आपने वहाँ पे लगाया है, वो कोकोनट के ऊपर का नहीं, मतलब पाइनएप्पल का। तो ये पाइनएप्पल का ऊपर वाला हिस्सा, इसमें जो है बहुत अच्छे से लीव्स नई नई आनी शुरू हो गई हैं। अब इसको देखोगे तो ये क्या है? ये मनी प्लांट है। मनी प्लांट की कटिंग लगाई है, मनी प्लांट के स्टेम को हमने लगाया, तो नीचे देखो कितनी सारी इसमें रूट्स डेवलप हो गई हैं, और न्यू लीव्स भी इसमें आ रही है, है ना। इसको भी हमने विदाउट सीड्स उगाया। ये वाला प्लांट, ये वाला मुझे लगता है पोटैटो। उस दिन जो हमने उगाया था, ये जो थोड़े थोड़े से उसमें जर्मिनेशन हुआ था वो हमने उगा दिया था, वही अब ये देखो कितने सारे प्लांट ग्रो करें। एक ही पोटैटो था, लेकिन जितनी उसमें स्प्राउट्स निकले हुए थे वो सारे एक प्लांट बन गए। तो बाद में इसमें नीचे अंदर क्या ग्रो करेगा? इसमें अब प्लांट ग्रो करेगा। ये तो प्लांट है, प्लांट की रूट्स। पोटैटो, क्योंकि ये जो पोटैटो है ये एक मॉडिफाइड स्टेम है। ये क्या है? ये है गार्लिक। हाँ, जो हमने गार्लिक की जो पॉड्स लगाई थी, देखो कितनी कितनी बड़ी हो गई हैं। हाँ जी। ये हमने, ये है रेडिश। ये रेडिश है, इसमें देखो छोटी छोटी रूट्स निकल गई हैं। छोटी छोटी रूट्स निकल गई हैं। ये रेडिश करके कितना बड़ा ग्रो कर गया, कितनी छोटी छोटी लीव्स थी अब कितनी बड़ी हो गई है विदाउट सीड्स। यहाँ हमने ये जो बाजार से मिंट लेके आए थे, मिंट हमने लीव्स यूज़ कर ली थी उसकी, और ये स्टेम को हमने इसमें लगाया था। नीचे देखेंगे रूट्स आ रही हैं और यहाँ लीव्स ग्रो कर रही हैं, बड़ी बड़ी जो हो गई हैं। अब हम इसे शिफ्ट करेंगे पॉट में, जैसे हमने इसको किया हुआ है। हाँ, ये भी हमने ऐसे ही इसको पॉट में शिफ्ट किया हुआ है, और अब देखोगे इसके साइड से भी और भी छोटे छोटे प्लांट्स आने शुरू हो गए हैं। हाँ, ये देख रहे हो? ये, हाँ जी। क्या है ये? ये अनियन है। इसमें अनियन में नीचे कितनी सारी, आपने इसका क्या उगाया था? ये अनियन, पूरा अनियन हमने इसमें रखा हुआ है, क्योंकि इसमें ऊपर हमें स्प्राउट नज़र आ रहा था। तो ये नीचे सारी इसमें रूट्स आ गई हैं, और ये देखो कितनी बड़ी बड़ी लीव्स आ गई हैं। यहाँ भी हमने कोई सीड यूज़ नहीं किया है। ठीक है। इसी तरह से ये एलोवेरा है, इसकी लीफ को कट करके भी लगा सकते हैं।
और इसमें साइड में फिर छोटे छोटे ये प्लांट्स आने शुरू हो जाते हैं। इसको हम सेपरेट करके जैसे ये भी है लगा लेंगे तो ये भी हमारा क्या कर जाएगा, न्यू प्लांट बन जाएगा। अभी वो आप स्नेक प्लांट ले रहे थे वो कहाँ है, ये रहा एक स्नेक प्लांट हमारा, ये है इस वैरायटी का है। ये छोटा है पर ये बड़ा है, वो स्टाइल भी अलग है। यहाँ पे ये फ्लावर की तरह इसमें लीव्स आ रही हैं। इसमें लीव को कट करके लगाने से जैसे मैंने उस बड़े वाले में दिखाया था आपको, न्यू प्लांट बन जाता है। या फिर ये जो साइड में आप देखेंगे ये छोटे छोटे प्लांट्स उग गए हैं, इसको अगर हम निकाल के दूसरे पॉट में लगा देंगे तो भी हमारा न्यू प्लांट उग जाएगा। आप ये स्नेक प्लांट लिया हुआ है आपने? हाँ जी। इसमें जो ये वाली लीव्स हैं, हाँ जी, ये टू लीव्स मैंने इसमें ग्रो करी थी। और उसके बाद आप ऊपर करें थोड़ा इसको, ये देखेंगे ये जो है ये न्यू प्लांट्स, इसमें दो न्यू प्लांट ग्रो कर गए। आपने ये वाली लीफ उगाई? ये वाली उगाई, ये वाली, ये दोनों। ओके, ठीक है ना, इनसे ये ग्रो कर गए। यही सबसे बड़ी है इनमें? हाँ, इसीलिए ये बड़ी है कि इसी को हमने उगाया था। और जो भी मैंने आपको प्लांट्स दिखाए ये सब किस मेथड से ग्रो हुए? वेजिटेबल प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इसमें सीड्स का यूज नहीं हुआ है। तो बहुत से प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनको हम सीड्स के अलावा प्लांट के किसी भी दूसरे पार्ट से ग्रो कर सकते हैं, न्यू प्लांट ग्रो हो जाएगा, वेदर रूट से हो, स्टेम से हो, लीव से हो, बड से हो। जब भी कोई प्लांट सीड के अलावा किसी और पार्ट से डेवलप होता है उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ओके।